नेक्स्ट, कंटिन्यूअस डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज ओवर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. प्लीज पुट द हेडिंग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीडीएफ. यहां पर देखो लास्ट हम लोग क्या लिखवाए थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. यहां पर है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. तो डेंसिटी क्यों, बिकॉज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, इसका नोटेशन देखना. एफ एक्स, ये दोनों तो ठीक है बट ये वाला वैलिड नहीं है. इसको एक काम करो, लिख के ऐसे काट दो. लिख के काटने का रीजन क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड एट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. प्रोबेबिलिटी नॉट डिफाइंड एट अ पर्टिक्युलर पॉइंट, मतलब एक पर्टिक्युलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं है. हम लोग को अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटीज निकालना होगा तो हम लोग को एक रेंज में निकालना पड़ेगा. ठीक है, एक रेंज में हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को. देख लो इसको. कंडीशंस फॉर अ वैलिड पीडीएफ. तो पहला लिखना, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, फॉर ऑल एक्स. दूसरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ओवर द रेंज ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन. वहां पर क्या कर रहे थे, समेशन एंड समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन. तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बिकॉज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अब हम लोग कर रहे हैं. समिंग ओवर द रेंज ऑफ एक्स द पीडीएफ वी आर गोइंग टू गेट वन. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे वैलिड पीडीएफ. ठीक है, आइए एक दो एग्जांपल करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू टू वन माइनस एक्स. ठीक है, ये एक्स का रेंज हम लोग को दे दिया. एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टू वन माइनस एक्स डी एक्स जीरो से वन. इसको निकालेंगे तो टू बाहर आ जाएगा. क्या आएगा, वन का क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू. जीरो से वन तो टू वन माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा आंसर, आ रहा है वन. तो मतलब वैलिड पीडीएफ. देख लो हम लोग को, देख लो इसको आराम से, वैलिड पीडीएफ. ठीक है, आराम से, कोई भी प्रॉब्लम. ठीक है, देखो इसका मैं तुम लोगों को ग्राफ दिखाता हूं. हेडिंग लगाना, पीडीएफ ग्राफ. तो ऐसा है, ऐसा बनेगा. क्यों बोलो तो, आप एक काम करो, एक्स के जगह में आप डालो जीरो. जब आप एक्स के जगह में जीरो डालते हो तो यहां पर क्या आ रहा है, आपका टू आ रहा है. और जब आप x की जगह में वन डालते हो, ठीक है, तो आपका y आ रहा है जीरो.
देख लो इसको, ठीक है, ऐसे ही तो बनता है पीडीएफ। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। तो मतलब जब आप एक्स के जगह में जीरो डालो जो उसका लोअर लिमिट है, तो आपका आंसर आ रहा है टू, मतलब वाई का आंसर आ रहा है टू, पीडीएफ का आंसर आ रहा है टू। और जब आप एक्स के जगह में वन डाल रहे हो जो उसका अपर लिमिट है, तो आपका आंसर आ रहा है जीरो। तो ये अपना बन गया। और इस ट्रायंगल का अगर हम लोग को एरिया निकालना हुआ तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ रहा है वन। मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, वन, देयरफॉर इट इज अ वैलिड पीडीएफ। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो। हाउ डू वी गेट द पॉइंट्स, हाउ डू वी गेट द कोऑर्डिनेट्स, बाय पुटिंग, बाय पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक तो शॉर्टकट बना दे दो तुम लोग को, ऐसे लिखना शॉर्टकट, यहां पर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, यहां पर आ जाएगा जीरो और यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, जीरो, और यहां पर लिख लो ln, log 0 इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी, log 1 इज 0 एंड e टू द पावर 0 इज 1 एंड e टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो ये एक आप लोग को याद रखना है, ऐसे आप लोग को इजी रहेगा समझने में। देख लो इसको, डन, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू 5e टू द पावर माइनस 5x, x इज ग्रेटर देन 0, बताइए कि ये वैलिड पीडीएफ है कि नहीं है, सॉल्व करिए इसको।
देखो कैसे करेंगे, जीरो से इंफिनिटी 5e to the power -5x dx, तो 5 बाहर आ जाएगा, e to the power -mx, तो e to the power -mx/m, जीरो से इंफिनिटी, तो -e to the power -infinity - e to the power 0, तो e to the power -infinity तो हट जाएगा, --1 आ जाएगा इसका आंसर, देख लो इसको। इसके बाद पुट द हेडिंग गामा इंटीग्रेशन, गामा इंटीग्रेशन। तो गामा इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी x to the power α-1 e to the power -λx dx इज इक्वल टू गामा अल्फा बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा, एंड गामा अल्फा का मतलब होता है अल्फा माइनस वन का फैक्टोरियल बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। ध्यान देना इसमें, गामा इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, देखो एक्स के पावर में अल्फा माइनस वन है एंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स है, तो क्या हो रहा है, अगर मान लो अपने को कुछ ऐसा फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी x² e to the power -5x dx, तो इससे क्या होगा ना, अपने को इसमें बाईपार्ट्स लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल। तो एक x और एक e होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, मतलब x इंटू e to the power -5x रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट x² रहे, x³ रहे तो करने में एकदम जान निकल जाएगा, कितना बार बाईपार्ट्स लगाएंगे। तो इसीलिए गामा इंटीग्रेशन केम टू द रेस्क्यू एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। CS1 क्या, ये आपको सब चीज में लगेगा, ये आपको सब चीज में लगेगा, ठीक है, गामा इंटीग्रेशन। तो इसको कॉपी कर लीजिए, माने अगर लिमिट्स रहे 0 to infinity x to the power α-1 e to the power -λx dx, तो गामा अल्फा बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये हम लोग का एग्जांपल नंबर 3 हो गया, जैसे यहां पर दिया हुआ 9x e to the power -3x, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना, तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 9x e to the power -3x dx, ठीक है, तो 9 मेरा बाहर आ गया। अब x to the power α-1, तो x to the power 2-1 e to the power -λx dx, ठीक है। तो अब फॉर्म पहचानो, तो अल्फा क्या है 2, लैम्डा क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, 9 into γ alpha बाय लैम्डा टू द पावर अल्फा। तो गामा 2 इज व्हाट, 1 का फैक्टोरियल, मतलब एक कम का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 into 1/9 विच इज इक्वल टू 1, देख लो इसको, ठीक है, आराम से देखो। अगर मान लो ये गामा इंटीग्रेशन नहीं सिखाते तो फिर कैसे करते, बाईपार्ट्स लगाना पड़ता, आइलेट रूल, u∫vdx - ddx of u∫vdx whole dx, तो आइलेट लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, ये हम लोग का हो गया एग्जांपल नंबर 4, fx = 32x² e to the power -4x x is greater than 0, सॉल्व करिए इसको।
तो कैसे करेंगे देखो, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी 32x² e टू द पावर माइनस 4x dx इज इक्वल टू 32 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर 3 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 4x dx. सो अल्फा इज 3, लैम्डा इज 4, विच इज इक्वल टू 32 इंटू गामा 3 बाय 4 का क्यूब. गामा 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल, मतलब कटकुटा के 1 आ जाएगा. तो इट इज अ वैलिड पीडीएफ. क्लियर एवरीवन? ठीक है श्रीतमा जी, ठीक है कृतिका, ठीक है ओके अनुष्का दुग्गा, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है एक्स बाय 15, ठीक है. एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है. तो सबसे पहले इसका पीडीएफ बनाओ, क्या बनेगा 1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहला बात क्या है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये चीज दिमाग में रखना, ये हम लोग का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है. सबसे पहला चीज ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. तो कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे इसको, x के जगह में 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 by 15, 2 by 15, 3 by 15, 4 by 15, 5 by 15, ये x हो गया और ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x हो गया. ये हम लोग का पीडीएफ बन गया. अब हम लोग को निकालने बोला है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 or 2, तो क्या करेंगे, 1 by 15 plus 2 by 15 विच इज इक्वल टू 3 by 15. दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी हाफ गिवेन x इज ग्रेटर देन 1. ध्यान देना इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया, a गिवेन b. तो a गिवेन b का मैंने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला कराया था ना आप लोग सबको, a गिवेन b का फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला था ना, क्या था, प्रोबेबिलिटी a गिवेन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b बाय pb. a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट. तो हाफ और ढाई, 5/2 मतलब ढाई होता है ना, 2.5. तो 0.5 से बड़ा और 2.5 से छोटा, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो एकदम इस क्वेश्चन में, एकदम ध्यान दो. तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0.5 2.5, इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन 1 ना, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1. तो x इज ग्रेटर देन 1 का तो ठीक है वो समझ में आता है, बट 0.5 से 2.5 के अंदर में कौन कौन से मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है, 1 और 2, और अपने को कंडीशन क्या दिया है, माने इंटरसेक्शन क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए. तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो लेंगे, 1 से बड़ा एंड 0.5 और 2.5 के बीच का बताओ कौन सा बच रहा है, 2. तो ऊपर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, और नीचे में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सॉल्व करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है. तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी सॉरी इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1. 1 से बड़ा मतलब क्या, 1 माइनस 1 या फिर 1 से छोटा, ठीक है, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है. कितना आ रहा है, 2/14 आ रहा है क्या आंसर, आंसर कितना आ रहा है बताओ,
टू बाय 14, यस, ठीक है। यहां तक कर लो। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को ऐसा निकालना होता, मैंने बेसिकली जहां से जहां तक का अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा ना, अपने वहां से वहां तक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो प्रोबेबिलिटी होता नहीं है। देखो क्यों, 0.5 का निकालने बोलेगा तो मतलब क्या करेंगे, 0.5 में पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसलिए हम लोग को एक रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, एक रेंज में हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हम लोग को ये निकालना है, अगर मान लो हम लोग को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 0.25, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा दिया हुआ है, x का जो स्टार्टिंग रेंज है फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जीरो है, x का जो स्टार्टिंग रेंज है वो जीरो, तो मैं क्या करूंगा, जीरो से 0.25 में पीडीएफ को इंटीग्रेट करूंगा, मतलब जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा हो सकता है x कैन स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, तो नीचे में माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखो, अगर मान लो हम लोग को ऐसे बोलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 0.25, तो भी सेम चीज ही होगा, सेम एज अबव। क्यों बोलो तो, क्योंकि कंटिन्यूअस में लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन में कोई फर्क नहीं है। अरे लेस देन 0.25 का मतलब क्या हो गया, 0.2444449 which is 0.25 only, लेकिन डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है। लेस देन टू मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन मतलब क्या, लेस देन टू, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस में ये सब चीज में फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मान लो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा तो जहां से जहां तक का प्रोबेबिलिटी निकालने बोलेगा हम लोग वहां से वहां तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो इसमें लिखो एक चीज, इसमें लिखो एक चीज, दो तीन तो नोट लिखो, नोट नोट। तो पहला, प्रोबेबिलिटी डजंट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पहला लिख दो, प्रोबेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डजंट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, प्रोबेबिलिटी डजंट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में लिखना प्रोबेबिलिटी डजेंट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लिख दिया। इसके बाद में लिखना लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, देखो देख लो, ठीक है। तो ये दोनों सिंबल देख लो बोर्ड पे, इज सेम इन केस ऑफ सीआरवी बट डिफरेंट इन केस ऑफ डीआरवी, ठीक है। इसके बाद में लिखना वाइल कैलक्यूलेटिंग प्रोबेबिलिटी जहां से जहां तक बोलेगा
वाइल कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, जहां से जहां तक बोलेगा, जहां से जहां तक बोलेगा वहां से वहां इंटीग्रेट कर देंगे। समझा क्या? जहां से जहां तक बोलेगा अपन वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे उस चीज को। क्लियर? तो अगर मान लो यहां पर अपने को ऐसा बोलता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मान लो अपने को ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये अगर अपने को बोलता है तो अपन क्या करेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन वन निकालने बोल रहा है, तो अपन क्या करेंगे? वन से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करेंगे। किसको? पीडीएफ को, डीएक्स। तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा वन से इंफिनिटी, तो सॉल्व करो, माइनस ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस वन, तो ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी तो हट जाएगा, क्या बचेगा? ई टू द पावर माइनस वन विच इज वन बाय ई, और वही मेरा आंसर है। देख लो इसको आराम से, देख लो इसको आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ एक्स हम लोग को दे दिया है के ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को बोला है फाइंड के, के निकालना है, एक ऐसा के का वैल्यू जिसके लिए वैलिड पीडीएफ बने, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी के ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन, तो के बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स बाय माइनस थ्री, जीरो से इंफिनिटी इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो माइनस के बाय थ्री, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो क्या आ रहा है आंसर? के इज इक्वल टू थ्री। सॉल्व करके देखिए आराम से, आप लोग आराम से आप लोग सॉल्व करिए। अब इसके बाद में हम लोग को बोल रहे, बोलता है प्रोबेबिलिटी 0.5 से 1 इसका निकालिए, तो क्या करेंगे? 0.5 से 1 में इंटीग्रेट कर देंगे पीडीएफ को, आंसर निकल के बताओ कितना आ रहा है? यस, गामा इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 करके, वेरी गुड, गामा इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली खाली एक्सप्लेनेशन में गामा नहीं लगाना चाहिए, अगर एक्स तो ही लगाना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, इसका फाइनल आंसर चाहिए मेरे को, 0.1733 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ?
ओके, तो इसके बाद में हेडिंग लगाना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो सेम चीज है, कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान देना, इंटीग्रेट करेंगे स्टार टू एक्स एफ एस डी एस, क्योंकि यहां पर रेंज में है ना एक्स, एक्स आपका रेंज में बोल के अंदर में एफ एस डी एस कर दिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक और चीज दिमाग में रखिएगा, पीडीएफ से अगर आपको सीडीएफ जाना हो तो आप करेंगे इंटीग्रेट, और सीडीएफ से अगर आपको पीडीएफ आना हो तो आप करेंगे डिफरेंशिएट। इस चीज को दिमाग में रखिएगा एकदम, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 5e टू द पावर माइनस 5x, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हम लोग को दे दिया, अब हम लोग को इसका CDF बनाना है। तो कैपिटल एफ एक्स में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से x 5e टू द पावर माइनस 5s ds, fs कर दिए उसको, तो 5 बार आ गया e टू द पावर माइनस 5s बाय माइनस 5, 0 से x, तो माइनस e टू द पावर माइनस 5x माइनस एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5x, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को अगर f2 निकालना हुआ तो इसका मतलब क्या हो, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस खाली यहां पर x के जगह में 2 डाल देंगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 10, समझ में आया। अब जैसे मान लो मेरे को अगर ऐसा निकालना हुआ, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या करेंगे, 1 माइनस एफ टू विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 10 विच इज ई टू द पावर माइनस 10। कॉपी कर लीजिए इसको, मैंने एक बार अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया फिर आपको बस खाली वैल्यू पुटिंग करना है लेस देन इक्वल टू वाले चीजों में, ठीक है। एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो इसको क्या कर सकते हैं, एफ फाइव माइनस एफ थ्री, ठीक है। तो 5 से छोटा में सारा आ गया माइनस वो वाला पार्ट जो अपने को नहीं चाहिए, 3 से छोटा वाला, तो क्या करेंगे, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 इंटू 3, सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, एफ एक्स दिया हुआ है हम लोग को, हम लोग को एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है।
क्या दिया हुआ है, वन माइनस वन प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। अब एफ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल एफ एक्स मतलब सीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, अपने को ये वाला चीज दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू एक्स, अपने को ये वाला चीज दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, मतलब क्या हो गया एफ टू हो गया ना, तो खाली वैल्यू पुटिंग करना है आपको एक्स की जगह में टू, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करके दिया हुआ है। तो वन माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस टू, फिर जैसे मान लो अगर अपने को ये निकालने बोला वन से थ्री के बीच में, तो कैसे करेंगे, एफ थ्री जो कि लेस देन इक्वल टू थ्री हो गया माइनस एफ वन, वो वाला पार्ट जो अपने को नहीं चाहिए, तो इसमें बस खाली वैल्यू पुट कर दो, एक्स के जगह में थ्री डालो, तो वन माइनस फोर ई टू द पावर माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू ई टू द पावर माइनस वन, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे बोलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन फोर, तो क्या करेंगे, वन माइनस एफ फोर, वन माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होता है, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, वन माइनस फाइव, सॉरी वन माइनस फाइव ई टू द पावर माइनस फोर विच इज फाइव ई टू द पावर माइनस फोर, देख लो यहां तक। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखना, हम लोग को कैपिटल एफ वाई दे दिया है, वन माइनस नाइन बाय वाई स्क्वायर, वाई इज ग्रेटर देन थ्री, ये हम लोग को दे दिया है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू व्हाट, एफ फाइव विच इज वन माइनस नाइन बाय ट्वेंटी फाइव विच इज व्हाट 16 बाय 25। एक और देखिएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू टू, ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों थ्री से स्टार्ट है, समझा, तीन से, तो y इज डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन थ्री, उसके नीचे y डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तीन के नीचे y डिफाइंड ही नहीं है। एक और प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन एट, सो दिस इज वन माइनस एफ एट विच इज व्हाट वन माइनस नाइन बाय सिक्सटी फोर, सो द फाइनल आंसर विल बी नाइन बाय सिक्सटी फोर। देखो इसको, ये हम लोग का कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज मैं ग्रुप में एक वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो मीन और वेरिएंस के ऊपर में होगा, वो आप लोग को देखना है, और फिर हम लोग का रैंडम वेरिएबल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज आप लोग को वो वीडियो देख लेना है, ओके। नेक्स्ट क्लास के बारे में मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। रैंडम वेरिएबल जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।